नमस्कार, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने YouTube चैनल इनकम टैक्स वाला में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम पर कौन टैक्स देता है, किसके इनकम में वह इनकम क्लब होती है और किस तरीके से एक माइनर चाइल्ड को इनकम जनरेट होती है, कौन से ऐसे केसेस हैं जब वह इनकम क्लब नहीं होती यानी माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड को इनकम होती कहां से है। माइनर चाइल्ड को इनकम होती है या तो बैंक के इंटरेस्ट से या फिर किसी प्रॉपर्टी की कोई रेंटल इनकम माइनर चाइल्ड के नेम पे आती है। अब हम जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड की इनकम पर कौन टैक्स देगा और किसके हैंड में वह टैक्सेबल होगी। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि माइनर चाइल्ड के जो भी पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, इस माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड करने से पहले जिसकी भी इनकम ज़्यादा होती है उसके हैंड में वह माइनर चाइल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लेते हैं कि पिता की इनकम 6 लाख रुपए है और मदर की इनकम 5 लाख रुपए है और माइनर चाइल्ड की इनकम 10,000 रुपए है। तो पिता की इनकम मदर की इनकम से ज़्यादा है तो माइनर चाइल्ड की जो 10,000 रुपए इनकम है ये पिता की इनकम के साथ ऐड हो जाएगी, यानी पिता अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो 6 लाख रुपए अपनी इनकम और 10,000 रुपए माइनर चाइल्ड की इनकम, इस सब को मिला के 6,10,000 रुपए पर अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को पे करेगा। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जब मदर और फादर की मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है, मे बी वो डिवोर्स की वजह से या किसी भी वजह से दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस केस के अंदर जो भी एक पेरेंट उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, वह पेरेंट उस माइनर चाइल्ड की इनकम को अपनी इनकम के साथ क्लब करके उस पर टैक्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि अगर मदर और फादर दोनों ही इस दुनिया के अंदर ही नहीं है यानी वो एक्सपायर हो चुके, तो इस केस में माइनर खुद अपनी रिटर्न फाइल करता है और अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है। अब हम जानेंगे कि एक माइनर चाइल्ड के होने वाली इनकम को कब क्लब नहीं किया जाता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब एक माइनर चाइल्ड को कोई सीवियर डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि वो ब्लाइंड हो, हैंडीकैप्ड हो या कोई भी ऐसी बीमारी जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80U के अंदर मेंशन हो, ऐसे केस के अंदर माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स देता है। दूसरा ऐसा पॉइंट है कि जब एक माइनर चाइल्ड को कोई भी ऐसी इनकम जो उसको मैनुअल वर्क से हुई हो, जैसे एक माइनर चाइल्ड के अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है, कोई आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह की, उससे उसको कुछ इनकम होती है, तो वह माइनर चाइल्ड खुद अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई माइनर चाइल्ड के अंदर कोई स्पेशल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी बच्चे की कोई साउंड अच्छी है, एक्टिंग अच्छी करता है, कोई गाना गाता है और ऐसी चीज़ों से उसे कुछ इनकम होती है, तो वह माइनर चाइल्ड खुद अपनी रिटर्न फाइल करके उस पर टैक्स पे करेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, उसके अंदर एक छोटी बच्ची का किरदार हर्षाली मल्होत्रा ने प्ले किया था, तो उस एक्टिंग करने से हर्षाली मल्होत्रा को जो भी इनकम हुई होगी वह उसने खुद अपनी रिटर्न में शो की होगी और अपनी रिटर्न फाइल की होगी। अब बात करते हैं कि इस माइनर चाइल्ड की इनकम पर हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी। जिस भी पेरेंट की इनकम में वह माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड हुई है, बेशक वो मदर हो चाहे वो फादर हो, उस पेरेंट को 1500 रुपये पर बच्चे के हिसाब से इनकम टैक्स के सेक्शन 1032 में डिडक्शन मिलेगी। किसी पेरेंट के मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी पेरेंट के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे की इनकम 3000 रुपये है, एक बच्चे की इनकम 1000 रुपये है और एक बच्चे की इनकम 1500 रुपये है। तो पहला बच्चा जिसकी इनकम 3000 रुपये है उसको 1500 रुपये की छूट मिलेगी, दूसरा बच्चा जिसकी इनकम 1000 रुपये है उसको मैक्सिमम 1000 रुपये की छूट मिलेगी क्योंकि 1500 रुपये अपर केस का लिमिट है, तीसरा बच्चा जिसकी इनकम 1500 रुपये है उसको भी 1500 रुपये की छूट मिलेगी। तो टोटल 3 बच्चों को इस हिसाब से छूट मिलेगी। अब हम जानते हैं कि कुछ एक ऐसे स्पेशल प्रोविजन जो कि माइनर चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहली बात कि माइनर चाइल्ड में स्टेप चाइल्ड या अडॉप्टेड चाइल्ड, ये दोनों चाइल्ड इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि मान लीजिए कि एक माइनर मैरिड डॉटर को एक फादर ने 10 लाख रुपीज़ गिफ्ट कर दिए,
तो उस 10 लाख रुपए से होने वाली इनकम भी फादर के इनकम में टैक्सेबल होगी और उसी में ही क्लब होगी। मान लेते हैं कि एक माइनर बच्चा जो 21 जून 2021 को मेजर हो रहा है, तो 21 जून 2021 तक की इनकम यानी 1 अप्रैल 2021 से 21 जून 2021 तक की इनकम पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल होगी और 21 जून के बाद वाली इनकम उस बच्चे के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि 21 जून को वह बच्चा मेजर हो रहा है। एक बहुत जरूरी बात आती है कि एक बार एक माइनर बच्चे की इनकम जिस भी पेरेंट के हैंड में क्लब होनी स्टार्ट हो गई तो वह हमेशा उसी पेरेंट के हैंड में क्लब होती रहेगी। बेशक बाद में किसी दूसरे पेरेंट, मदर हो या फादर हो, उसकी इनकम पहले पेरेंट से ज्यादा हो जाए, तब भी वह उसी पेरेंट के हैंड में टैक्सेबल होती रहेगी जब वो स्टार्टिंग से हो रही, जैसे भी वो स्टार्टिंग से हो रही हो। अगर ये हमें चेंज कराना है कि मान लेते हैं पहले फादर के हैंड में वह इनकम टैक्सेबल हो रही थी और हम चाहते हैं कि मदर के हैंड में वह इनकम टैक्सेबल हो, तो हमें इनकम टैक्स ऑफिसर, अपने असेसिंग ऑफिसर से वह परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। या फिर असेसिंग ऑफिसर किसी भी एक ऐसे रीजन की वजह से जो जिसको वह अपने यहाँ पे फिट समझता हो, उसकी वजह से वो उसको चेंज करना चाहे, तभी वह इनकम शिफ्ट हो सकती है। तो यह थे सारे माइनर चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे, मैंने सारे अब आपके सामने एक्सप्लेन किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।